शेर अफसर मरवत का नामालूम मकाम से अहम वीडियो पैगाम। वीडियो पैगाम बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पस मंजर बताता चलूं। शेर अफसर मरवत वो है जो इमरान खान को अपना मुर्शिद समझते हैं। शेर अफसर मरवत वो इंसान है जो इमरान खान को गाली देने पर मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के साथ फिजिकली लड़ भी चुका है, एक अदालत के बाहर। और एक जो काफ़ी मशहूर किस्सा है, जवेद चौधरी के प्रोग्राम में जब सेनेटर अफनानुल्ला ने इमरान खान को गाली दी तो उसके बाद वो वहाँ पर दस्तों गिरबाँ हो गए। वो जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल अखाड़े का मंजर पेश कर रहा था। जब से शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की डूबती नाव को सहारा दिया है, उस वक्त से ऐसे महसूस होता है जैसा कि पीटीआई में एक नई जान सी आ गई हो। जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीमें थी वो दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो गई, और जो पीटीआई के वर्कर थे वो भी दोबारा से सरगर्म होने शुरू हो गए। और शेर अफजल मरवत वर्कर कन्वेंशन पर वर्कर कन्वेंशन किए जा रहे हैं, लोगों की तरफ से भी काफ़ी पसीदाई मिल रही है। ये उस वक्त वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं जब पीटीआई के दूसरे जो बड़े अहदेदारान हैं वो इस वक्त छुपे हुए हैं। बिल्कुल अच्छा, ये वर्कर कन्वेंशन जो चुप रहे हैं ताकतवर हलकों को, हुआ यूँ कि कुछ नौशहरा के वर्कर कन्वेंशन तो नहीं कहेंगे, जलसा कह सकते हैं। जलसे से शेर अफजल मरवत जब वापस आ रहे थे तो देर के पुलिस ने बड़ी तादाद में धावा बोल दिया। तो जो सोशल मीडिया या मेन सेक्टरी मीडिया है वहाँ पर शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की चिमगोइयाँ होने लगीं, बाकायदा पट्टियाँ चलने लगीं कि शायद शेर अफजल मरवत दोबारा से गिरफ्तार हो गए। मगर उसके फौरन बाद शेर अफजल मरवत ने अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने बताया कि वो बिल्कुल खैर अफियत से है और महफूज मकाम पर है। तो उसके बाद उसने स्टोरी भी बताई कि उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उसके साथ 8-9 गाड़ियाँ थी, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी को मार्केट में छोड़कर किसी पीटीआई वर्कर के घर जाकर उसने पनाह लिया। वो इस वक्त वो जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त भी वो किसी वर्कर के घर में देख सकते हैं कि वहाँ पे वो जो लड़के हैं वो कुछ वीडियोज़ भी बना रहे हैं शेर अफजल मरवत का, वो वीडियो में देखा जा सकता है जो वीडियो रिकॉर्ड करवाया है शेर अफजल मरवत ने। तो उसमें शेर अफजल मरवत ने बताया है कि वो वहाँ से निकलने में तो कामयाब हो गया, मगर शेर अफजल मरवत ने बाजोड़ के लोगों के लिए बहुत अहम पैगाम दिया है। उसने कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर निकल आया हूँ, अब आप लोग भी निकलो, और जो नौशहरा में जितने लोग निकले हैं उससे बड़ी तादाद में निकलो, क्योंकि मैं आऊँगा वर्कर कन्वेंशन में। उसने शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं हर हाल में पहुँचूँगा वहाँ पे, अगर मैं पहुँच सकता हूँ तो फिर आप लोग भी पहुँचो। ये पैगाम दिया है बाजोड़ के लोगों के लिए शेर अफजल मरवत ने अपने वीडियो पैगाम में। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।